हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे पाउडर्स। आजकल आपने देखा ही होगा कि मैं रिसर्च कर रही हूँ अपने बालों के को कैसे सुंदर बनाया जाए, क्योंकि बालों से ही लेडीज़ की शोभा होती है, ये तो आप मानते ही होंगे। बाल अगर सुंदर है तो आप सुंदर हैं, है ना। और अगर जिसके बाल सुंदर नहीं होते तो थोड़ी सी उसमें कमी रह जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें अपने बालों की केयर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं तो अपने बालों की बहुत केयर करने लगी हूँ, पहले नहीं करती थी। पहले की वीडियोस ही मैंने आपके साथ शेयर की है, वो जरूर देखिएगा कि मेरे बाल कितने रफ थे, कितने कर्ली थे। जो बाई रूट मेरे बाल आ रहे हैं वो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बाई रूट मेरे बाल आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं कर्ली। बट आपको मैं अगर दिखाऊँ तो देखिए मेरे कितने स्ट्रेट बाल दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो पहला मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेथी पाउडर। मेथी पाउडर है ये, एल्प्स गुडनेस का जो है मेथी पाउडर है फ्रेंड्स। और बिलीव मी, मेथी पाउडर आपके पास होना ही चाहिए। मेथी में वो गुडनेस है जो आपके बालों को हेयर फॉलिंग से बचाती है, बाल जो आपके झड़ रहे हैं उनसे बचाती है। अगर आपके सीधे सीधे बाल इस तरीके से निकल के हाथों में आ जाते हैं, गंजापन हो गया, बालनेस की प्रॉब्लम हो गई, फिजीनेस हो गई या रफनेस हो गई है, तो उसके लिए मेथी पाउडर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक तो ये हो गया आप, ठीक है। और मेथी पाउडर के बहुत सारे यूजेस हैं, वो भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किए फ्रेंड्स, वो ज़रूर देखिएगा। ओके जी फ्रेंड, दूसरा ये है मेरे पास काचू सुगंधी पाउडर। काचू सुगंधी पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी मैंने एल्स गुडनेस का लिया है, इसके सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये इन सब के यूजेस भी मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, उसे भी जरूर देखिएगा आप। तो काचू सुगंधी पाउडर आपके बालों में फिजीनेस होती है उसे ख़त्म कर देता है, दो मोए बाल जो होते हैं हमारे उन्हें ख़त्म कर देता है। आप मेरे बालों की डेंसिटी देख रहे होंगे, आप मेरे बालों का वॉल्यूम देख रहे होंगे, वो इन्हीं चीज़ों से ठीक हुआ है। तो मैं अपने चैनल पर भी आपको बता रही हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है, उसका भी एक बार आप ज़रूर ज़रूर थ्रू आउट कीजिए, एक बार ज़रूर देखिएगा उसे भी, ठीक है। तो ये हो गया काजू सुगंधी पाउडर। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके बालों के लिए एक वरदान है, इसे आप ज़रूर ज़रूर अपने पास रखिए, ज़रूर आप इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, खाली वीडियो देख के आप थ्रू आउट हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे रेड कमला पाउडर। रेड कमला पाउडर के बारे में बहुत कम बताया गया है यूट्यूब में, मैं आपको दिखा रही हूँ। रेड कमला पाउडर हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। रेड कमला पाउडर जो हमारे बीच में पैचीनेस आ जाता है, बाल्डनेस आ जाता है, गंजापन आ जाता है, या बाल जो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट झड़ते जा रहे हैं, या बीच से टूट टूट के निकलते जा रहे हैं, उन चीज़ों को रिकवर करने का काम करता है फ्रेंड्स। और ये बहुत अच्छा है रेड कमला पाउडर, इसका भी मैंने आपको पैक बताया हुआ है कि उसे कैसे यूज़ करना है, तो उसे भी एक बार थोड़ा ज़रूर कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। ये भी एल्प्स गुडनेस का रेड कमला पाउडर है, और ये भी हमारे बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है, फिजीनेस को बढ़ाता है। और हमारे स्कैल्प में जो गंदगी जमा हो गई है, हमारे स्कैल्प कई बार ऐसा होता है कि आपके जो स्कैल्प है, बाल आप बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं, स्कैल्प आपकी क्लीन नहीं हो रही, तो जब रूट ही सही नहीं होगी तो आप आगे कैसे काम कर पाएगी वो, ठीक है। तो आपके स्कैल्प को क्लीन करने का काम भी करता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है ये, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी गुडनेस है, इसके बारे में आपको बताती जाऊंगी, इसे यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊंगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा उसको कि उस... और हमारे बालों के जो रिड्यूस करता है हेयर फॉल को, उसके बाद इसमें लिखा है ये हेल्दी करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है, और पेस्टिसाइड फ्री है, प्रिजर्वेशन फ्री है, और एनिमल टेस्टेड, नो एनिमल टेस्टेड, ठीक है। तो ये सारे बालों के लिए है फ्रेंड्स, ये भी इसमें लिखा गया है। तो ये हो गया, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे करेला पाउडर। करेला पाउडर भी आपके पास होना चाहिए। करेला पाउडर भी मैंने फ्रेंड्स एल्प्स गुडनेस का ही देखिए ये लिया है, और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ये डैंड्रफ से ट्रीट करने का काम करता है। अगर आपके बाल स्लो हो गए हैं, बढ़ना उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो उससे ही आपकी हेल्प करेगा। मतलब काफ़ी टाइम पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे बालों में मैंने एक बार कटिंग करवाई, उसके बाद से मेरे बाल बढ़ने स्टॉप हो गए, तो उस चीज़ को भी ये क्योर करता है, और इस आपके जो बाल रुक गए हैं बढ़ना वो भी शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। ये ऑल हेयर टाइप है, ऑल स्किन टाइप है,
और करेला तो आपको पता ही होगा, करेला खाने में कड़वा होता है। करेले की प्रॉपर्टीज जो होती है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है फ्रेंड। स्किन में भी अगर हमारे एक्ने है, पिंपल्स है, उसको भी ये क्योर करता है करेला पाउडर। तो हमारा इतना ज़्यादा अच्छा माना गया है और दादी नानी के टाइम से ही हम लोगों को पता है कि करेला खाना कितना अच्छा होता है। होता थोड़ा सा कड़वा है बट वो बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। इसी तरीके से हमारे बालों के लिए, हमारे फेस के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। एक बार इसे भी ज़रूर 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 आप ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं आपके साथ आज चार चीज़ें शेयर की है मैंने और ये सारी की सारी एल गुडनेस की है। तो इनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और एक बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा कि आपको कितनी बेनिफिट्स मिलते हैं। और उसके बाद आपने फीडबैक प्यारे प्यारे मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स। ठीक है, ओके बाय।